अस्सलामु अलैकुम। गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है सर, मुक्की पई है गल। 8 सीटां वाला बंदा 215 सीटां वाला ते हावी हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? 215। और मौलाना साहब के पास कितनी सीटें हैं? 8। दोनों कह रहे हैं जी कि नून लीग भी कदम पीछे हटी है और पीपल्स पार्टी भी कदम पीछे हटी है। और उन्होंने कहा है जी इसे सुप्रीम कोर्ट दे विच जनाब अली एक आईनी बेंच बनेगा, अदालत नहीं बनेगी। तो दोवें मन गए ने। हुण दसो सानू भी दस कोई पासा कि ढोला असा कित्थां विजा। ठीक है, ये हालात है, ये हालात है। पानी च मधाणी मार मार के इन्होंने समझा मक्खन दे पेड़े निकलणगे। पानी च मधाणी मारांगे ना मक्खन दे पेड़े निकलण। और 1.5 महीने दे पानी वजीरे कानून पानी च मधाणी मार रहे है ते कोई इतनी भी मक्खन नहीं आया, इतना भी नहीं आया। उल्टा जेड़ा पानी सी ना वो भी गया। अब ऐसी सूरत हाल में मैं टीवी बंद कर दूं ताकि आप परेशान ना हो कि पीछे हो की रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसी सूरत हाल में कि जब 215 सीटें इनके पास हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, 8 मौलाना की मिला के 215 ये बनती है 223। तो इन्होंने चाहिए ने 224, फिर भी इन्हों 2-3 लोटे व्डे फड़ने पैणगे। लोटे वो लोटे नहीं होते, लोटे वो फड़ने पैणगे। तो फिर क्या ऐसी वो तो कहते हैं जी ऐसी भेड़े रोण नालों, मैं तो कल एक वीडियो बनाई सी कि भेड़े रोण नालों चुप चंगी है। और इसमें कर क्या रहे हैं? कोई चीज नहीं कर रहे हैं। यकीन करो आवाम के लिए 0/0। और जो मकासद ये हासिल कर रहे थे ना जब पहले शुरू की गई थी तब यही मकसद था कि जनाब काजी फायज ईसा को हमने रखना है चीफ जस्टिस एक्सटेंशन करके, और जो अगले इमरांडूज कोई भी जज होगा उसका रास्ता हमने रोकना है। ठीक है, तो वो मकसद तो वैसे ही फौत हो गया। तो हुण पानी च मधाणी ते क्या कर रहे हैं जी। अब इसको मैं कहता हूं कि बिल्कुल इनको कल बड़े भाई ने लंच डिनर देता है, आज छोटे भाई ने लंच देता है, आज जरदारी को मिलने गया है शहबाज शरीफ, और तमाशे लगे हुए हैं और इनके पास बंदे नहीं हैं, और अभी से इल्ज़ाम लग रहे हैं जी कि फलाने तुसी अगवा किए ने। तो कर की रहे हो, आवाम वास्ते तो जीरो है ना। मैं कह रहा हूँ बिजली के खात्मे के लिए कर रहे होते तो हम कहते वेलकम, बिजली पानी गैस के लिए कुछ कर रहे होते तो हम कहते वेलकम, कोई महंगाइयों के लिए कर रहे होते तो वेलकम। क्या ड्रामा लगाया हुआ है कौम को। मैंने तो पिछली वीडियो में कहा है कि कौम को पूरी ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दी है, और हुण तुहानू लब्भण भी कुछ नहीं लगदा। अभी भी वो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं PTI वालों नू भी इकट्ठा करांगा। मौलाना ने कह दी है कि जनाब काजी फैजी से दी कोई एक्सटेंशन नहीं, तो सैयद मंसूर अली शाह रवायती तौर पर जेड़ा सीनियर हो उसको करे। ये तो सर जी हिम्मत की बात है, ये सादा अक्सरियत से भी कर सकते थे करना चाहे तो। ये क्यों, मैं आपको एक बात बताऊं, काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह के मसले पे पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी भी कहती है मंसूर अली शाह आंदा है तो आवे, काजी जाता है तो जावे। सिर्फ नून वाले कह रहे हैं कि काजी रवे ते मंसूर रवी मंसूर जवे, काजी आवे ते मंसूर जावे। ये सिर्फ नून लीग का मसला है। पीपल्स पार्टी को भी Sukoon.com ते मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं जी मैं उन दोवें पासे खेलना ही खेलना। आप बताएं कि इस वक्त मौलाना साहब PTI के साथ हैं या हकूमत के साथ है, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि मौलाना फजल रहमान हकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के साथ है, इन बिटवीन है, इन बिटवीन। मौलाना साहब ये वैसे आपका किरदार पहली दफा हम देख रहे हैं। खैर आपकी मर्जी है जो आप करें। इस वक्त तो हकूमत मौलाना की मिन्नतें कर रही है
और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि मौलाना साहब तुसी साडे ताज़ा अबू बने हो, साडा भी ख्याल करना, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, वो ये कह रहे हैं। तो ये तमाशा है जनाब, और हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है कि कल इन ये कह रहे हैं जी हम दो तीन दिन में मुसवदा दे देंगे पीटीआई वाले, ते कल आईनी तरमीम दे हवाले नाल पूरे पाकिस्तान च एहतजाज भी है। ये क्या क्या ड्रामा है जी, ये क्या ड्रामे कर रहे हैं सारे, हुकूमत को समझ नहीं आ रही। सर जी सारी मैं आपको कह रहा हूं, शहबाज शरीफ जितनी ये टेबल टॉक करेगा ना, ये जरदारी को जैसे दो गवर्नर दे आया, सदर जरदारी को बना दिया, डिप्टी चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन बना दिया, डिप्टी स्पीकर बना, सारा कुछ दे के थे आ गया वड्डे नवाज शरीफ के कोलो, भैन मैं जीत के आ गया, उन्हें को क्या होना है, उन्हें को क्या होना है। टेबल टॉक जितनी आप करेंगे ना, मैं आपको ये नफसियाती बात बता रहा हूं, हम भी स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हारता जाएगा, पीछे हटता जाएगा टेबल टॉक से, क्योंकि सीधा ये काम कर ही नहीं सकते। अब मौलाना फजल रहमान ने इनसे बात मनवा ली है जी, और फिर भी बंदे पूरे नहीं है, फिर भी इनको दो चार खरीदने पड़ेंगे। मैं तो सर जी सीधी बात कर देता हूं, चाहे कोई अपना नाराज ही हो। हाँ जी, तो गल की है विचों, हुण विचों गल ही कोई नहीं, काजी फिर भी जा रहे हैं ते मंसूर आ रहे हैं, तो फिर कादियां तरमीमां तुसी ले रहे हो, ते खाने ते डिनर ते लंच करवा रहे हो, ते पालक गोश्त ते जनाब मटर गोश्त ते आलू गोश्त ते भिंडी गोश्त ते दाल गोश्त बना के ते चरगे मुर्गे खवा रहे हो, कादे खवा रहे हो तुसी फजूल। कल हड़ताल का ऐलान किया जी पीटीआई ने, ते अजाब साढ़े ते आ रहे हैं, पूरे पंजाब विच कॉलेज भी बंद, स्कूल भी बंद, नवा नोटिफिकेशन आ गया हुणे हुणे आए, और कल इंशाल्लाह इंटरनेट भी ताड़ा बंद होना है, देख लेना। कल आवाम को भी मुसीबत पड़नी है, आप इतने से बंदों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंटेनरों पे कंटेनर आप लगा देते हैं, कंटेनर इस वास्ते बने सन, कंपनियों को पूछो कि कंटेनर इन्होंने इस वास्ते अंग्रेजों ने बनाए सन, ओए होए होए, कोई हाल नहीं सर जी, कोई हाल नहीं। फिलहाल मौलाना जीत रहे हैं और मौलाना दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं मौलाना साहब। सर जी गुड्डी चढ़ी हुई है ना, गुड्डी चढ़ी हुई है। एमल वली खान जो एएनपी के सरबराह है, उसने भी इल्जाम लगा दिया है कि हमारे एक सेनेटर काला खान के कालाज या कौन, उसको इन्होंने खरीदा है जी। अब देखें ये हुकूमत की, और तुम किस लिए कर रहे हो, गुनाहे बे लज्जत, इसे कहते हैं गुनाहे बे लज्जत, ना खाया ना पिया, गिलास तोड़ा बाराने, आप कर क्या रहे हैं, कोई तरमीम के अवाम को समझ आ रही है कि क्या तरमीम है, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। जो तुमने काजी फैजी साहब को बचाना था वो तो गया, मंसूर अली को नहीं लाना था वो तो आ गया, अब मौलाना साहब ने कह दिए पहले नोटिफिकेशन जारी करो मंसूर अली शाह का, सारी बातें वो मनवा रहा है, और ये साडा भाईजान मरियम दे चाचा आखिर ते हर चीज मान के आ जाएगा, इसी तरीके से मान के आ जाएगा। एक लतीफा याद आ रहा है तुहानू, फिर मैं दस देना, हुण तुसी अगवाप सियाणे हो, कहते जी ये छोटे इलाकों में ना ये नए नए रक्षे चले, तो इलाके का नाम लिया जाता है बखर, मेरा अपना चले मियाँ वाली कह लें या बखर कह लें, अपना इलाका है साडा। कहते उत्थे नवे नवे रक्षे चले, तो जेडे टांगे वाले कोचवान होंगे ना, टांगे टांगा चलाने वाले नूं कोचवान कहते हैं, कोचवान एसोसीएशन बनी हुई सी, उन्होंने इजलास बुलाया, अपना एक सदर बनाया, उन्हें कहा जाओ डीसी नूं मिल के आओ तो रक्षे बंद कराओ यार, साडा तो रोजगार फर्क पै जाना है, जा मुजाकरात कर क्या। एक विचो कोचवान अनपढ़ होंगे ने सारे, कोचवान नूं एक डीसी कोल गया सदर, टांगे वाले का सदर कोचवान डीसी कोल गया ते मुजाकरात करन गया जी, जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं मुजाकरात कर रहे, ते अंदर वड़दे ही डीसी दे दफ्तर ना कहता डीसी साहब एथे मियां वाली च या रक्षे चलनगे या टांगे चलनगे। डीसी ने कहा अच्छा, ते फिर रक्षे ही चलनगे, ते ओ उन्हें गाल ही यह जी की ना, पलवान यह जी गल करते हैं,
ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਉਡ ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਚਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਕਸ਼ੇ ਮਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਖੂਬ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟਾਂਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ। ਐਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹਮਾਰਾ ਜਨਾਬ ਮਰੀਅਮ ਕਾ ਚਾਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਨੇਚਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, 115 ਸੀਟੋਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਗਵਰਨਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਹਮਕੋ ਦੀਏ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਵੀ ਸਮਝੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ। ਤੋ ਯੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁਆ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਬ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਮੇਂ ਪੜ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਕਾਲਜੋ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਅਬ ਕੱਲ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕਿ ਇਸੀ ਪੈਟਰਨ ਕੋ ਵੀ ਕਰ ਲੇਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਥਾ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਏ ਥੀ। ਆਖਿਰ ਯੇ ਇਧਰ ਹੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਆਈ ਹੈ ਯੇ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ, ਇਸਕੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਔਰ ਅਲੀ ਬਾਕਰ ਨਜ਼ਫੀ ਕੋ ਹਟਾ ਕੇ ਤੋ ਜਨਾਬ ਇਸਕੋ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਕੋ ਬਣਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਯੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਇਨਕੋ ਜੁਰਅਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਵੋ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁਰਅਤ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਣਾ ਨਾ ਕੰਧਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਛੋੜੋ ਪਰੇ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋ ਅਬ ਜੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਈ ਜੀ ਕੋ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਈ ਲੜਕੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਜ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਆ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਯੇ ਅਸਲ ਮੇਂ ਫਿਤਨਾ ਔਰ ਫਸਾਦ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਲਬਾ ਮੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜਹਾਨੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ। ਅਬ ਯੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰੇਂਗੇ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਵਕੀਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਕਾ, ਯੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਇਨਕਲਾਬ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ, ਯੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਝੂਠ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਰ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਯੇ ਫਿਤਨਾ ਔਰ ਫਸਾਦ ਕਾ ਯੇ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਫਿਤਨਾ ਔਰ ਫਸਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ, 4 ਸਾਲ ਯੇ ਹਕੂਮਤ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ। ਜਬ ਤੱਕ ਕੂਏ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪ ਕੂਏ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੂਏ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਗਦਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ 40 ਬਾਲਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਜਾਂ 80 ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।